इससे पहले तो मैं इसे कहूंगा लगा लगा इसे इसे मशरूम को हा? देखो लगती क्या है। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा जी ढाबे वाला मशरूम मसाला, भाई जो खाने में बड़ा ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई तेल मैंने लगा दिया जो कि काफ़ी गर्म हो गया है, तो उसका मैंने फ्लेम अब लो कर दिया है। तो अब पड़ने जा रहा जी इसमें एक चम्मच ज़ीरा, 3 इलायची, थोड़ा भुनिए से, तो गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए। अब पड़ने जा रहे हैं जी प्याज, भाई ये 3 ही प्याज है जी मीडियम साइज के चॉप किए हुए, तो इनको अपने ब्राउन करना है, तो गैस का फ्लेम हाई रखिएगा। दोस्तों करीब 2 मिनट पकाने के बाद, ठीक है, इसमें डालिए आप कड़ी पत्ते, ज़्यादा नहीं, 4-5 पत्ते काफ़ी है। तो भाई दोस्तों हमारे जो प्याज हैं जी वो ब्राउन हो गए हैं, ठीक है जी। अब पड़ने जा रहा है जी लहसुन, भाई लहसुन थोड़ा ज़्यादा रखा करना, क्यों, उसका टेस्ट बड़ा सही आता है। और अदरक, और लगे हाथ भाई 2 हरी मिर्चियाँ भी डाल दूँगा काट के। तो जनाब भून लो भाई, ये भाई ध्यान रहे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है, ये ना हो कि आप जला दे लहसुन वगैरह। तो इसे भूनिए और इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म कर दीजिए। तो भाई दोस्तों हमारे जो गार्लिक शार्लिक भी है ना वो सब पक गया, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। पड़ने जा रहा है जी 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जनाब इसे भूनिए, अभी गैस का फ्लेम लो है, तो थोड़ा पानी मिला लीजिए ताकि जो मसाले हैं वो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए। तो भाई दोस्तों करीब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इन मसालों को, मसाले प्रॉपरली जम गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो भाई अब पड़ने जा रहा है जी इसमें टमाटर, जो कि मैंने शेक बनाया हुआ है जी मिक्सर के अंदर, मैंने बोला था प्योर अंग्रेजी में, ये 4 टमाटर का शेक बनाया मैंने, तो उसको प्रॉपरली इसको पकाइए, ठीक है, और लगे हाथ नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। तो भाई लगे हाथ ना इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला डाल दो, तो भाई पकाओ। तो अब ये क्या करने जा रहे हैं जी, अब इसका हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस टमाटर को हम पकाएंगे, ढक्कन कर दीजिए बंद। तो भाई करीब 5 मिनट हो गए, अरे वाह भाई वाह, तेल ऊपर आ चुका है जी, शाबाश शाबाश, ठीक है जी। तो भाई अब लगे हाथ डाल देंगे जी इसमें 1 चम्मच भाई क्रश किया हुआ धनिया पाउडर, तो थोड़ा इसको पकाइए थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट मैंने लो फ्लेम पे ही अपना जो धनिया पाउडर ना वो पका दिया। तो अब डालने जा रहा है जी इसमें काजुओं का पेस्ट, भाई 25 काजुओं का पेस्ट बनाया मैंने, ये 25 काजू। तो भाई अब गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए, ठीक है, और करीब 2 मिनट इसको पकाइए अब। तो भाई दोस्तों करीब 2-3 मिनट पकाने के बाद इस काजू को भी अब गैस का फ्लेम दोबारा लो, ठीक है जी। अब पड़ने जा रहे हैं जी इसमें मशरूम, मशरूम को मैंने भाई 2 पीस किए हुए हैं और करीब ये 250 ग्राम मशरूम होएगा। तो जनाब इसको प्रॉपरली अब मिला लीजिए, इन सब का मिलन कराइए आपस में, ठीक है जी। तो भाई 5 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम भी कीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए, और बीच में आगे चलाते भी रहिएगा हर 2.5 मिनट पे। तो भाई दोस्तों करीब 5 मिनट हो गए जी, अरे वाह भाई वाह, आप देखते हैं जी हमारे हालात कैसे हैं जी मशरूम के, भाई वाह 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 वाह, फर्स्ट क्लास, देखो क्या लग रहा है ना। तो अब करना कुछ नहीं है, इस पर अब थोड़ा पानी मिलाएंगे हम, बस मैं धीरे धीरे पानी डाल रहा हूँ, देखता हूँ कितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी इसकी, फिलहाल तो मैं अभी 1 गिलास लेकर आया हूँ। तो भाई करीब 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 1 गिलास पानी डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है भाई। पानी मिलाने के बाद हाई फ्लेम कर दीजिए और 1 उबाल का वेट कीजिए फिलहाल। तो भाई उबाल आ गई जी, गैस का फ्लेम लो कर दो और 10 मिनट के लिए ढक्कन कर दो, इसके केवल 10 मिनट के लिए, उसे ऊपर नहीं। तो भाई दोस्तों करीब 10 मिनट नहीं भाई 15 मिनट के बाद, झूठ क्यों बोलना आपसे यार, मैं भूल गया 15 मिनट हो गए। तो 15 मिनट के बाद भाई ये स्थिति है जो कि बड़ी अच्छी स्थिति है, बड़ी प्यारी स्थिति है, ठीक है जी। तो अब हम मिलाने जा रहे हैं जी इसमें भाई क्रश की हुई कसूरी मेथी भाई एज यूजुअल। तो भाई हमारी जो मशरूम की सब्जी है वो बनके भाई तैयार है, तो चलो करो बंद। तो भाई लो दोस्तों भाई बनके तैयार हुआ जी अपना भाई हाईवे ढाबे वाला मशरूम मसाला। हाँ भाई सबसे पहले भाई ये टोपी जो है ना, किसे देखो ये फट गई है, बट इसमें हंसना नहीं यार, मेरी बहुत फेवरेट टोपी है जी, और भी टोपियाँ पड़ी है लेकिन ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो आओ भाई देखो भाई कैसा बना है, भाई मुझे बताओ बना कैसा है ये, भाई दिखने में कैसा लग रहा है, ग्रेवी क्या कह रही है, कितनी फर्स्ट क्लास टाइट, एकदम टाइट। हाँ देखो घुमका घुमका के दिखा रहा हूँ दोबारा से आपको, ये देखो है सही नहीं। तो भाई साथ में लिया है जी ये कांदा, ठीक है जी, देखो प्याज लिया है जी, भाई ये बरमुंडे ट्रायंगल वाला पराठा बनाया जी मैंने, ठीक है। तो आओ
सबसे पहले क्या किया जाए भाई? सबसे पहले तो भाई ग्रेवी चेक की जाती है ना, क्योंकि ग्रेवी ही सब कुछ कहलाती है भाई मैं बनी क्या हूँ। ठीक है, यही सब बताएगी कि भाई मैं बनी कैसी हूँ। अगर ग्रेवी अच्छी नहीं तो यानी सब्जी अच्छी नहीं। आओ सबसे पहले ग्रेवी भाई, बहुत गर्म है यार, बड़ा गर्म है, बड़ी मोटी ग्रेवी बनी है सच में। एक और बाइट, ओह भाई जबरदस्त। भाई जावर क्लास बना हुआ है, क्लास। तो अब आप पूछोगे भाई इसमें ऐसा क्या है जो इतना जावर बना हुआ है और क्या टेस्ट आ रहा है? तो भाई सबसे पहले तो मैं इसे खाऊंगा लगा लगा के। किसे? इस मशरूम को। हाँ देखो लगती क्या है। ओहो ओहो भाई कातिल है, कातिल। ग्रेवी प्लस मशरूम जो दोनों मिलकर आपको टेस्ट दे रहे हैं ना भाई, वो तबाही फेर रहे हैं, तबाही। सच में कह रहा हूँ, बड़े दिनों के था वेज नहीं खाया था। हाँ, और वेज में मेरा मशरूम मोस्ट फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। और ख़ास करके ढाबे वाला, अगर मैं कहीं भी जाऊँगा कोई ढाबे साइड पे तो भाई मैं यही खाता हूँ। अच्छा मैं टेस्ट की बात कर रहा था, टेस्ट किया इसके अंदर, खट्टा खट्टा बन। टमाटर जो हमने मिलाए हुए हैं चार, उनका खट्टापन बड़ा ही जाबर। काजुओं का टेस्ट जो पेस्ट बना के डाला हमने इसमें भाई, टेस्ट जाबर। तीखापन नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। और तीखापन किसका है? वो हरी मिर्च का भाई, वो भी जाबर। मुझे ले देख के ये मशरूम का पैकेज जो है ना, ये धमाका है धमाका। मशरूम बड़ी प्यारी चीज़ है यार, सच में मज़ा आता खाने का ये। तो आओ एक और डंडी किसी इस मशरूम की। तो भाई अब क्या किया जाए? अब परांठा खाया जाए। आओ भाई आओ, ये राजी बरमुंडे ट्रायंगल वाला पराठा। ओए होए होए होए, क्या लग रहा है यार। आ जा भाई साहब, तबाही पे तबाही फेर रहा है, तबाही पे तबाही। अब झूठ क्या बोलना आपसे, ये पराठा जो है ना, ये मैदे वाला पराठा है, क्योंकि यार मैदे वाले पराठे के साथ ना टेस्ट बड़ा सही आता है। हाँ अब मुझे मालूम है आप बोलोगे भैया हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, भाई कभी कभी चल जाता, कभी महीने में एक आध बार। प्याज नहीं का टेस्ट दिया यार इसके साथ मिल गया। मसाले कितने लिमिटेड थे, खड़े मसाले जो हमने डाले ही नहीं इस बार ज़्यादा, तीन इलायचियाँ तो डाली सारी, वो तो नॉर्मल मसाले में आता है। खड़े में आता है भैया दालचीनी जावित्री जायफल जो तबाही फिरते हैं टेस्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट जाबर। भाई कड़ी पत्ता वाकई में ना भाई सब्जी का फ्लेवर बड़ा चेंज कर देता है, रियली फैक्ट है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो लो भाई आखिरी बाइट रह गई है इस पराठे की, तो इन भी मुकाने हैं। ठीक है जी, लो जी। तो भाई अपना परांठा हो गया जी फिनिश। हाँ भाई अब तो किंग, हाँ अब देखा किंग के साथ क्या तबाही फिरने वाली है। भाई आ तो मैं दिल खोल के कहता हूँ
कि भाई जहाँ पर ये मैंने मशरूम खाया था, ठीक है भाई, वो मशरूम इसके सामने कहीं खड़े नहीं होता। हाँ, आज हम सीना ठोके बोलते हैं कि भाई इतना शानदार ये रेसिपी बनी है, और ये आप ज़रूर ट्राई करोगे और अपने भाई को ज़रूर कमेंट करके बताओगे भाई कैसा बना था। भाई अब तो किंग वेट कर रहा है। किंग तो किंग ही है, किंग का मुकाबला है कोई। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर आप इस जगह पे ना, ये प्लेन राइस की जगह पे ना भाई जीरा राइस यूज़ करोगे, राइस बोले तो जीरा राइस किंग, तो भाई टेस्ट में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ने वाला है इसके साथ में, किसके साथ में, इस मशरूम के साथ में। ट्राई करके देखना, भाई को याद करोगे। तो आ भाई यार प्याज मिला लेते हैं इसके साथ, या तो भी चल अंदर। मज़ा आ गया, मतलब कि आज का पैकेज बहुत ही दासू पैकेज था और बड़ा ही लाजवाब पैकेज था। तो दोस्तों भाई मुझे उम्मीद है आपको अपनी बाइक की बनाई हुई ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगेगी, और आप ये ज़रूर ट्राई करोगे, हाँ, और मुझे कमेंट ज़रूर करोगे। तो फिर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।